जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और खाने में बहुत यम्मी लगता है। आप इसे जरूर ट्राई करें। सबसे पहले हम यहाँ पे हाफ केजी बासमती राइस लिए हैं। हाफ आवर पहले मैं अच्छे से वॉश कर ली थी और इसका पानी ड्रेन करके वन साइड में रख दी थी। अब ये कुक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। कुछ यहाँ पे स्पाइसेस है, इसका मैं तड़का लगाऊंगी। 3 पीस छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, 2 तेज पत्ता है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 जावित्री का फूल है, 1/4 टीस्पून सिया जीरा है, 1 स्टार फ्लावर है, 6 से 7 लौंग है। टाइम वेस्ट ना हो इसके वजह से मैं 1 प्याज को कट करके पहले से ब्राउन कर ली हूँ। मटन 1 बड़ा प्याला, आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगी या फिर आई बटन आएगा उसे क्लिक करके आप देख ले। 2 ड्रॉप मुगलाई एसेंस, 1/4 टीस्पून शुगर, 1/4 टीस्पून कलर, 6 से 7 काजू और थोड़ा सा किशमिश, स्वाद के अनुसार साल्ट, गार्लिक 1 टेबल स्पून, जिंजर 1/2 टेबल स्पून, मिल्क 100 ग्राम, रिफाइंड ऑयल। फ्रेंड्स, मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 पतीली का यूज करेंगे और जो मैं ऑनियन ब्राउन की थी उसी ऑयल को अभी हम यूज करेंगे। तो इसकी फ्लेम को ऑन कर देंगे, ऑयल हीट होने देंगे। ऑयल अच्छी तरह हीट हो चुका है, अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसमें मैं कबाब चीनी ऐड करना भूल गई थी, इसमें हम 6 से 7 कबाब चीनी ऐड कर देंगे। इसे 10 सेकेंड के लिए हम चटकने देंगे। ये अच्छी तरह चटक चुका है, आप देख सकते हैं। ध्यान रहे आप थोड़ा बच कर ही इसे रहे, नहीं तो ये आपके ऊपर आ सकता है। ऐसे कवर लगाते हुए इसमें मटर ऐड कर देंगे और इसमें 1/2 मिनट के लिए हम मटर को कुक होने देंगे। 1/2 मिनट तक मैं इसे हाई फ्लेम पे कुक कर ली हूँ मटर को। अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर। चावल इसी गिलास से 2 गिलास था तो मैं इसमें ऐड करूंगी 4 गिलास वाटर। 4 गिलास इसमें वाटर मैं ऐड कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूंगी जिंजर, गार्लिक, शुगर, उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी साल्ट स्वाद के अनुसार। मैं 2 टीस्पून इसमें साल्ट ऐड की हूँ, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर ले। और इसमें बॉयल आने देंगे कवर करके, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। वाटर में अच्छी तरह बॉयल आ चुका है, इसके कवर को हम ओपन करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे चावल। चावल ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क और इसमें ऐड कर देंगे 2 ड्रॉप मुगलाई एसेंस। कवर कर देंगे जब तक कि चावल अच्छी तरह टेंडर ना हो जाए। बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूंगी। मैं इसे हाई फ्लेम पे कुक कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये 80% टेंडर हो चुका है, अभी 20% बाकी है, आप देख सकते हैं। और वाटर भी कम हो चुका है तो हम इसके फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसी वक्त मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर देती हूँ। जब इसका वाटर कम हो जाए तो आप स्पैचुला यूज ना करें, आप इसे टॉस करते हुए मिक्स करें। जब तक कि ये 100% कुक ना हो जाए मैं इसे कवर कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसे मैं 2 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कर दी थी। अब इसके कवर को हम ओपन करेंगे और इसे चेक करेंगे कि चावल और मटर अच्छी तरह टेंडर हुआ है या नहीं। अच्छी तरह मटर भी टेंडर हो गया और चावल भी।
अब हम इसमें ऐड कर देंगे ब्राउन ओनियन। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी काजू और किशमिश। कलर और इसे मैं कवर कर देती हूँ और इसके फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ। फ्रेंड्स, एक चीज का आप ध्यान रखिए, कोई भी चावल का रेसिपी आप बना रहे हैं तो उसे ऑफ करने के बाद जस्ट आप उसे डिस आउट ना करें, नहीं तो चावल उस समय बहुत सॉफ्ट होता है और गर्म भी होता है, इस वजह से वो टूट जाता है। तो इसे मैं 10 मिनट के बाद आपको सर्व करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा मटर पुलाव बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना यम्मी बना है, ये बहुत ही टेस्टी होता है। आप एक बार जरूर ट्राई करें हमारे तरीके से। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे जल्दी से लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड, ताकि मैं जब भी कोई भी रेसिपी अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक देना ना भूलें फ्रेंड। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, मैं वहाँ पे भी अवेलेबल हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।